हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, देख लो। फ्लैग फ्लटरिंग, फ्लैग का फ्लटर करना, उड़ना, ये किस डायरेक्शन में उड़ेगा? गुड, तुमने देखा होगा, फ्लैग देखा है? हाँ, तो फ्लैग देखा है, फ्लैग उड़ाया है, बट उड़ता किस डायरेक्शन में है तुम ये भी जानते हो। बस हमें क्या करना है, उसको अरेंज करना है, उसको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर देना और कुछ नहीं, ठीक है? तो फ्लैग किधर उड़ता है? जिधर हवा बहती है। सिंपल, मान लो मैं वैसे खड़ा हूँ, ठीक है, और ये फ्लैग अपने हाथ में ले लो, गया हवा नहीं बह रही है, रुकी हुई है। कल्पना करो, हवा नहीं बह रही है, रुकी हुई है, फ्लैग फ्लटर करेगा? नहीं, झुक जाएगा। और हवा अगर मान लो इधर बहने लगी, इधर इधर, तो फ्लैग इस डायरेक्शन में चला जाएगा। हवा इधर बह रही है तो फ्लैग इस डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हवा जिस डायरेक्शन में बह रही है, फ्लैग को उधर ही जाना है। एक चीज़ तो मुझे तो बहुत समझ में आई है, लेकिन अब अभी मुझे बात समझ में आ रही है कि अगर एक इंसान फ्लैग लेके ऐसे पकड़ा हुआ है, तो अगर हवा इधर बही तो फ्लैग इधर चला जाएगा, हवा इधर बही तो फ्लैग इधर चला जाएगा। मतलब हवा का डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक तरह से फ्लैग के उड़ने में। चलो एक दिन कल्पना करते हैं कि हवा नहीं बह रही थी, रुकी हुई थी, तो फ्लैग ऐसे लिया हूँ, तो फ्लैग नीचे को झुका हुआ, मुझे उड़ाना है। हवा नहीं बह रही है फिर भी उड़ाना है, कैसे उड़ेगा? दौड़ो, उड़ना शुरू कर देगा, दौड़ोगे। तो अगर मान लीजिए फ्लैग है और तुम इधर दौड़ रहे हो, इधर ऐसे, तो फ्लैग जो होगा वो इधर ऐसे दिखे, इधर होगा कि इधर होगा? मेरा हाथ झंडा है, देखो हाथ झंडा है, लिख दे। तो अगर झंडा है, तो अगर तुम इधर जा रहे हो, अगर तुम इधर जा रहे हो तो फ्लैग उल्टा उड़ेगा। नहीं समझ आ रहा है? आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा तो फ्लैग कहो, मम्मी पापा से खरीदें और लेके दौड़ो छत पे, पता चले कि किधर फ्लैग उड़ रहा है। कोई बात नहीं, इसका मतलब जब तुम इधर जा रहे हो तो फ्लैग पीछे उड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? फिजिक्स से रिलेट करें, हवा रुकी हुई थी, तुम्हारी वेलोसिटी इधर है, तो तुमको हवा की वेलोसिटी किधर नजर आएगी? पीछे। तुम्हारी वेलोसिटी इधर है ना, उल्टा होके ऐसे ऐड होगी, हवा इधर जाता नजर आएगा, इधर, तो फ्लैग चलेगा इधर। इसका मतलब इंसान जिस डायरेक्शन में दौड़ रहा है उसका उल्टा फ्लैग उड़ा था, क्यों? बिकॉज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हुई थी। तो अगर अगर आप ऐसे दौड़ रहे हो इधर, तो हवा की वेलोसिटी के लिए इस वेलोसिटी को रिवर्स करके जोड़ दो, तो आपका जो फ्लैग होगा वो इस तरीके से होगा, इधर उड़ता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब कि जो एयर की वेलोसिटी है वो दौड़ने वाले पर्सन को किधर नजर आएगा? फ्लैग उधर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एयर की वेलोसिटी, बट किसके रिस्पेक्ट में? जो पर्सन दौड़ रहा है उसके रिस्पेक्ट, जिसके हाथ में फ्लैग है उसके रिस्पेक्ट में। तो हम स्टेटमेंट नोट क्या करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फ्लैग फ्लटरिंग इज इन डायरेक्शन ऑफ एयर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्सन होल्डिंग फ्लैग। जो पर्सन फ्लैग को होल्ड किया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में एयर की वेलोसिटी किधर होगी? फ्लैग उधर उड़ता हुआ नजर आएगा। दैट्स इट, बाकी कोई मतलब नहीं आपको, इतना याद रखो, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो लिखिए, स्टेटमेंट है, डबल लाइन लगाइएगा नीचे, काले रंग का, पीले रंग का, जो लगाओ लगा दो, लिखो। डायरेक्शन ऑफ फ्लैग फ्लटरिंग इज इन डायरेक्शन ऑफ एयर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्सन होल्डिंग फ्लैग। ओके, क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलिए सपोज करो ये नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट बना दिया। एक दिन हवा जो है वेस्ट में चल रही थी, हवा वेस्ट में चल रही है, ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से हवा वेस्ट में चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से हवा
वेस्ट में चल रही है, और तुम जो सपोज करो साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम साउथ डायरेक्शन में दौड़ रहे हो विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से, और तुम्हारे हाथ में फ्लैग है, तुम्हारे हाथ में फ्लैग है, तो अपने हाथ से एक फ्लैग तुम पकड़े हुए हो। तो सुनना, दिस इज द एयर स्पीड, वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब हवा की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन लिख सकते हो, वन डे एयर इज ब्लोइंग इन वेस्ट डायरेक्शन व्हाइल यू आर मूविंग इन साउथ डायरेक्शन विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन फिगर, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्लैग फ्लटरिंग। तो आपको क्या करना है, आपको एयर की वेलोसिटी इस पर्सन के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एयर की वेलोसिटी कितनी लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म लिख लो, एयर की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म, ये इधर है ना, तो माइनस 10 आई क्या, और ये इधर जा रहा है साउथ डायरेक्शन में, साउथ में, तो वेलोसिटी या पर्सन क्या लिखेंगे, साउथ में जा रहा है ना, तो माइनस 10 जे क्या साउथ। आप क्या पता करना है, एयर की वेलोसिटी पर्सन के रिस्पेक्ट में, मतलब इसमें से सेपरेट करेंगे, मतलब माइनस प्लस, तभी तो आएगा एयर की वेलोसिटी पर्सन के रिस्पेक्ट में, पर्सन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वही होल्ड किया हुआ है, इससे क्या आएगा माइनस 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो जिधर एयर की वेलोसिटी पर्सन के रिस्पेक्ट में है उसी डायरेक्शन में फ्लैग की फ्लटरिंग होगी, तो इसका एंगल निकालना पड़ेगा। तो देखना एक्स में क्या है, माइनस, एक्स में माइनस मतलब इधर होगा, वाई में प्लस मतलब इधर होगा, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, बीच में आएगा, बीच में एंगल क्या आएगा 45 डिग्री, क्यों, इसको थीटा लिख लो, तो देन 10 थीटा इज व्हाट, इट इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये लेंथ 10 है अपॉन 10, देन दिस इज 1, देन थीटा इज 45 डिग्री। अच्छा ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, अगर मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर दूँ तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता, पैरेलली शिफ्ट कर दो ऐसे तो डायरेक्शन ऐसे हो गया ना इसका, और एंगल क्या आएगा 45, एंगल क्या है 45, तो ये नॉर्थ है वेस्ट है, तो बीच में मूव किया ना, बीच में, इसका मतलब जो फ्लैग होगा उसकी फ्लटरिंग किस डायरेक्शन होगी, नॉर्थ वेस्ट, एकदम बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो आप आंसर क्या बताएंगे, आंसर इज नॉर्थ वेस्ट, बात समझ में। तो जब भी आपको क्या है फ्लैग फ्लटरिंग डायरेक्शन बताइए, तो आपका डायरेक्ट क्या होगा, हमेशा एयर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन निकालना, गॉट इट। इसमें कह रहा है कि एक ट्रक है तो 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन जा रहा है, उस पर एक इंसान है पर्सन जो ट्रक के रिस्पेक्ट में 30 मीटर पर सेकेंड से उसके पीछे जा रहा है। तो अगर ये ट्रक आगे की ओर जा रहा है तो उस पर खड़ा इंसान ऐसे पीछे जा रहा है, तो अगर ये ईस्ट में जा रहा है तो जो पर्सन है वो वेस्ट में जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। उस दिन हवा भी बह रही थी, हवा जो है 10√2 मीटर पर सेकेंड से साउथ ईस्ट में बह रही है 45 डिग्री पे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्लैग फ्लटरिंग, और ये क्या है एयर की स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में एयर स्पीड। तो आपको क्या करना होगा, आपको पूरा दिमाग लगा हुआ है कि एयर की स्पीड, ये जो पर्सन है उसको किधर दिखाई दे रही है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो आएगा हमारा वही आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ को हम लोग लिखेंगे वेक्टर फॉर्म। तो 10√2 का ये कॉमन बनेगा 10√2 sin 45, 10√2 cos 45 बनेगा, एंगल के पास वाला कॉस कहलाता है, बनेगा 10√2 cos 45 डिग्री आई क्या, क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर आएगा और इधर एक्स है, और इसका कंपोनेंट इधर बनेगा वो बनेगा साइन, बट आएगा नीचे को कंपोनेंट नीचे, तो माइनस 10√2 sin 45 डिग्री जे क्या, इससे आएगा एयर की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में 1/√2 कैंसिल, दैट इज 10 आई कैप आएगा 10 जे कैप, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब हमें बात करनी है किसकी, ट्रक की स्पीड, जो वेलोसिटी ऑफ ट्रक है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में वो 10 आई कैप है, लिख लीजिए 10 आई कैप। अब पर्सन की बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ, यहाँ आप लिख लो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक इज,
30 सीधा जा रहा है ना, तो माइनस 30 आई क्या। अब देखिए ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज़ किया तो मैं दोनों को जोड़ दिया। जब जोड़ोगे तो आएगा वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, इस पीस को जोड़ो तो टी से माइनस टी कटेगा और ये इसमें एडअप होगा तो माइनस 20 आई क्या। अच्छा ये अर्थ का, ईयर का अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये पर्सन का अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी ऑफ ईयर विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन निकालना है। इसमें से ये सबट्रैक्ट करोगे ना तभी तो माइनस भी बनेगा, मतलब सबट्रैक्ट करेंगे इसमें से इसको तो माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये ईयर का पर्सन के रिस्पेक्ट में अब आएगा ये 10 आई कैप है, ये प्लस 20 आई कैप है, जोड़ देंगे बनेगा 30 आई कैप, ये माइनस 10 जे कैप। इसका मतलब जो एयर की स्पीड पर्सन के रिस्पेक्ट में है वो 30 आई कैप माइनस 10 जे कैप। अब इससे डायरेक्शन मिलेगा तो क्या डायरेक्शन मिलेगा, देखिए 30 पॉजिटिव में है और माइनस जे किधर है, माइनस 10 नीचे को, माइनस 10 नीचे 30 प्लस, तो रिजल्टेंट ऐसे बनेगा ना, ऐसे रिजल्टेंट आएगा ऐसा, दिस इज रिजल्टेंट। अगर मैं पूछूं कि ये वाला एंगल थीटा है, व्हाट इज टेन थीटा, व्हाट इज टेन थीटा, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 10 अपॉन 30 एंड दिस इज 1/3, देन व्हाट विल बी थीटा, इट इज 10 इनवर्स 1/3। ओके तो ये जो थीटा है ये किस एक्स डायरेक्शन से आ रहा है, मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है, ईस्ट ईस्ट से थीटा एंगल पे, ये वाला एंगल थीटा है देखो, और इतना तब क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 10 इनवर्स 1/3 नॉर्थ ऑफ, सॉरी साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से साउथ की तरफ इतने एंगल पे, एंड दिस इज आंसर। बात समझ में आई, तो फ्लैग फ्लटरिंग आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आप भी ऐसे अटेम्प्ट करिएगा। ओके।